हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं एफआर ऑटोमेशन और आज का हमारा टॉपिक है वीएफडी कंट्रोल वायरिंग, यानी कि कंट्रोल कनेक्शंस जो है कैसे करते हैं ड्राइव में। आज उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमने ड्राइव का ब्लॉक डायग्राम जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब हम ड्राइव में जो मेन वायरिंग होती है वो है कंट्रोल वायरिंग की होती है, तो आज उसके ऊपर बात की जाएगी डिटेल में थोड़ा, ठीक है। तो मैंने ये कुछ कंट्रोल टर्मिनल जो है यहाँ पे लाइन से दिखाए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। लगभग लगभग सभी ड्राइव में यही टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है ना। लगभग लगभग यही होते हैं, बस इनके नंबर जो है और थोड़े ज्यादा हो सकते हैं या इनसे कम भी हो सकते हैं, जैसा आपका ड्राइव हो, जिस कंपनी का हो, अपना अपना सबका डिजाइन होता है, ठीक है ना। लेकिन लगभग लगभग सब एक ही तरह से काम करते हैं, इसलिए आपको उसका बेसिक जो है अच्छे से समझना चाहिए ताकि आप हर एक ड्राइव को कंट्रोल वायरिंग आप कर सके, चाहे वो कोई सा भी ड्राइव हो, ठीक है ना। आपको समझना है कि उसके टर्मिनल्स के फंक्शन क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। अगर उनके काम को आप समझ लेंगे तो उनका नाम कुछ भी हो, उनका नंबर कुछ भी हो, आप हमेशा सही वायरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम इसी के ऊपर बात की जाएगी। यहाँ पे मैंने जो टर्मिनल बनाए हैं, ये सबसे ऊपर वाला आप देख सकते हैं, ये है +10 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट और ये है -10 वोल्ट, ठीक है ना। ये सप्लाई किस लिए है, ये है पोटेंशियोमीटर के लिए, ठीक है ना। अगर हम एक पॉट लगा के पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो है एनालॉग रेफरेंस, यानी कि एनालॉग इनपुट जो है देना चाहते हैं ड्राइव को, तो हमें इस वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले टीवी के जो है ये टर्मिनल जो है इनके नाम जो है समझ लेते हैं पहले, बाद में आपको मैं सबका एक एक एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बात ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये तो तीन टर्मिनल हो गए पोटेंशियोमीटर के लिए, ठीक है ना। तो ये +10 वोल्ट जो है वो पॉजिटिव रेफरेंस देने के लिए होता है और -10 वोल्ट जो है निगेटिव रेफरेंस देने के लिए होता है, यानी कि आप इस प्लस माइनस से ड्राइव को दोनों डायरेक्शन में आप चला सकते हैं, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी, ठीक है ना। तो अगर आप फॉरवर्ड पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो वो फॉरवर्ड चलेगा, अगर निगेटिव वोल्टेज देंगे तो वो रिवर्स चलेगा। तो ये दोनों वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे जो है फिक्स वोल्टेज अवेलेबल रहता है, आगे हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करके यहाँ पे इनपुट दे देंगे, ठीक है ना। तो सप्लाई के बाद जो टर्मिनल है वो है AI1+, ठीक है। AI मतलब एनालॉग इनपुट, 1 प्लस मतलब कि यहाँ पे आपको जो सिग्नल दे रहे हैं उसका पॉजिटिव यहाँ पे देना है, ठीक, और AI1 निगेटिव में उसका निगेटिव देना है, ठीक है ना। तो यानी कि जो आपका वोल्टेज आएगा उसमें दो वायर तो होंगे ही होंगे, प्लस और एक माइनस, तो आपको माइनस वाले में माइनस देना है, प्लस वाले में प्लस देना है, ठीक है। ये हो गया एनालॉग इनपुट 1, ठीक है ना। तो हर इनपुट का उससे रिलेटेड एक पैरामीटर होते हैं, हर इनपुट एनालॉग इनपुट के लिए लगभग 5 पैरामीटर होते हैं हर एक ड्राइव में, ठीक है ना। तो 5 पैरामीटर क्या क्या होता है, एक तो उसका कन्फिग्रेशन, यानी कि आप क्या दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं कि करंट दे रहे हैं, ठीक है ना। और एक होता है उसका लेवल, यानी कि उसकी हाई वैल्यू आप क्या दे रहे हैं, लो वैल्यू क्या दे रहे हैं, उसका पैरामीटर भी आपको सेट करना है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लूं कि आप यहाँ पे 0 से 10 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, एनालॉग इनपुट 1 में, अगर आप 0 से 10 वोल्ट DC देना चाहते हैं तो पैरामीटर में आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या, एक तो आप DC वोल्टेज दे रहे हैं, मिलीएम्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा DC वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी कि हाई वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, उसकी लो वैल्यू क्या है 0 वोल्ट, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि उसकी एक तरह से स्केलिंग हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं। और दूसरा कि उसका सिग्नल जो है, अगर ये सिग्नल लॉस हो जाता है, यानी कि अगर इधर से आने वाली जो वायर है अगर वो ब्रेक हो जाती है, एनालॉग इनपुट को कुछ भी नहीं मिलता है, तो क्या करना है। यानी लॉस होने के बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एनालॉग इनपुट लॉस होता है तो ड्राइव को क्या करना है, यानी कि फॉल्ट देना है क्या, जो प्रीवियस जो स्पीड आ रही थी, यानी प्रीवियस जो रेफरेंस था उसी स्पीड पे चलते रहना है या बंद हो जाना है, तो ये भी आपको डिफाइन करना पड़ता है एनालॉग इनपुट पैरामीटर के लिए, ठीक है, ठीक है। और उसकी पोलैरिटी क्या है ये भी हमें बतानी पड़ती है। तो लगभग 5-6 चीजें जो है आपको एनालॉग इनपुट के बारे में ड्राइव को बताना पड़ता है, तभी उसको समझ में आएगा कि आप इससे करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या क्या हो गया, एनालॉग इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि वो सिग्नल क्या है, वोल्टेज है कि करंट है, ठीक है ना। फिर कहां से कहां तक है, 0 से 10 तक है, तो 0 और 10, लॉस होने पे क्या करना है, फॉल्ट देना है, चलते रहना है, रुक जाना है, ठीक है ना। और एक होता है उसकी
पोलैरिटी यानी वो बाइपोलर सिग्नल दे रहे हैं आप कि यूनिपोलर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से उसके पैरामीटर सेट कर ले, ठीक है। इनके नंबर मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि हर ड्राइव में ये अलग अलग नंबर पे होते हैं, ठीक है। तो एनालॉग इन जो है इसके माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, ठीक है ना, इस एनालॉग इनपुट से आप करना क्या चाहते हैं वो भी आपको डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि ये इनपुट एज ए क्या यूज होने वाला है। ये तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया है कि ये इनपुट जो है एज ए स्पीड रेफरेंस या फिर टॉर्क रेफरेंस या फिर पीआई रेफरेंस, पीआई यानी कि उसके अंदर एक पीआईडी होता है उसके ऊपर हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे बाद में, या फिर ट्रिम रेफरेंस या स्पीड फीडबैक भी आप दे सकते हैं या करंट लिमिट एक्सेट्रा, ठीक है ना। करंट लिमिट की यानी अगर आप चाहते हैं कि ड्राइव की मोटर की जो करंट है वो एक लिमिट से ज्यादा ना होने पाए तो आप कितनी करंट मैक्सिमम चाहते हैं वो आप एक सिग्नल के माध्यम से भी ड्राइव को बता सकते हैं, ठीक है ना। आप एक तो आप प्रोग्रामिंग में डाल सकते हैं, दूसरा आप चाहते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट लिमिट हो यानी कि अलग अलग लिमिट हो करंट की, तो आप उसको एनालॉग सिग्नल के थ्रू भी बता सकते हैं कि इस टाइम पे इतनी लिमिट रखनी है, ठीक है ना। इस करंट लिमिट का यूज जो है टेंशन कंट्रोल में ज्यादा यूज होता है, जब हम टॉर्क कंट्रोल करते हैं तब जो है इसका सेचुरेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके ऊपर बाद में मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो एनालॉग इनपुट टू भी जो है सेम इसी के जैसा ही है, बस ये है कि आप यहाँ पे 0 से 10 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 420 मिलीएम्स भी दे सकते हैं। वैसे ये दोनों ही प्रोग्रामेबल होते हैं, आप किसी को कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसको क्या बनाना है उसका पैरामीटर रहता है, या कभी कभी जम्पर होते हैं उसके, ठीक है ना। कभी कभी आपको किसी कुछ जम्पर दिए रहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाई है, देखिए यहाँ पे एक जम्पर टाइप का है, जम्पर लगा देंगे तो वो वोल्टेज बन जाएगा, जम्पर निकाल देंगे या दूसरी जगह जम्पर लगा देंगे तो वो करंट वाला सिग्नल बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप ड्राइव को क्या दे रहे हैं उसको आप जरूर बताइए, पहले सेट कर लीजिए फिर उसको इनपुट दीजिए, ठीक है। नहीं तो आपका हार्डवेयर खराब हो सकता है, ठीक है ना। आप यहाँ 100 मिली एम्पियर सेट करेंगे और आप देंगे वोल्टेज तो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप जो इनपुट दे रहे हैं उसके पैरामीटर में उसको ठीक से डिफाइन करें, ठीक है ना। उसको कायदे से मैनुअल पढ़ें, समझें और क्या क्या करना पड़ेगा वो सब करें, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं एनालॉग आउटपुट पे, ठीक। तो ड्राइव जो है एनालॉग इनपुट तो हमने दे दिया, वो एनालॉग आउटपुट भी हमें देता है जो हम उससे पीएलसी को दे सकते हैं या किसी मीटर को दे सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ये एनालॉग आउटपुट आप दे सकते हैं। वो एनालॉग आउटपुट भी 0 से 10 या 4 to 20 जो भी आप प्रोग्राम करना चाहें एनालॉग इनपुट के जैसा ही इसको भी आपको प्रोग्राम करना है, ठीक है ना। तो एनालॉग आउटपुट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एनालॉग आउटपुट आपको क्या देगा, किसके प्रोपोर्शनली आउटपुट देगा, ये आपको डिफाइन करना सबसे जरूरी है, ठीक है। तो आउटपुट आप किसके प्रोपोर्शनल चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आपको दे सिग्नल, तो आप उसमें फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिए, ठीक है ना। उसकी जो पैरामीटर की नंबर की वैल्यू रहेगी उसमें आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लेंगे तो 0 से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए वो 0 से 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर आपको स्केल करके ऑटोमेटिकली दे देगा, ठीक है। तो स्केल यहाँ भी करना पड़ता है, यहाँ भी लो वैल्यू हाई वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ती है, तो आप जरूर करें। तो फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज या फिर करंट या फिर डीसी वोल्टेज, टॉर्क, एक्चुअल टॉर्क, ठीक है ना, कुछ भी जो भी आप जिस भी आप सिग्नल का फीडबैक चाहते हैं ड्राइव से वो आप सेलेक्ट कर लें, तो वो आपको उसी के प्रोपोर्शनल एनालॉग आउटपुट देता रहेगा, ठीक है। एनालॉग आउटपुट हो गया, तो उसके बाद आते हैं हम डिजिटल इनपुट के ऊपर, ठीक है ना। तो डिजिटल इनपुट देने के लिए जो है आपको 24 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जो कि ड्राइव के टर्मिनल पे अवेलेबल रहती है। आप बस उसको मैनुअल में देख लें कि किस ड्राइव में किस टर्मिनल पे ये सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है ना। तो 24 आपको 24 यूज करना है कि 0 यूज करना है, इन दोनों में से कौन सा यूज करना है ये आपको डिफाइन कर, एक अलग पैरामीटर होता है उसका कि वो पीएनपी सिलेक्ट कर रहे हैं या एनपीएन, ठीक है। इसके लिए डीप स्विच भी होते हैं, इसके लिए जम्पर भी हो सकता है, या इसके पैरामीटर से भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हार्डवेयर में अगर कुछ है तो आप हार्डवेयर से जरूर सेट करें, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर में अपने आप वो वही वैल्यू ले लेगा। तो अगर 24 आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 24 वोल्ट से डिजिटल इनपुट देना है, ठीक है ना। अगर 0 एनपीएन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको 0 वोल्ट से वही सेम इनपुट 0 वोल्ट घुमा घुमा के देंगे तो वो डिजिटल इनपुट ले लेगा, ठीक है ना। तो डिजिटल इनपुट किस काम में आता है, इससे हम ड्राइव को
कमांड देते हैं, कमांड मतलब कि रन कमांड, ठीक है, स्टार्ट कमांड, स्टॉप कमांड, फॉरवर्ड, रिवर्स, एमओपी, ब्रेकिंग ऑन, इनेबल, ठीक है ना, करंट, कस्टमर इंटरलॉक, इस तरह के जो कमांड है वो हम डिजिटल इनपुट के थ्रू देते हैं, इमरजेंसी का भी इनपुट देते हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल इनपुट हो गया। डिजिटल आउटपुट ये जो होता है, ये हमारा ड्राइव का जो है पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट होता है। पोटेंशियल फ्री का मतलब है कि इन तीन, ये एक डिजिटल आउटपुट के लिए तीन टर्मिनल है, ठीक, एक एक रिले के जैसा ही है, ठीक है ना, किसी किसी में दो भी होता है, कॉमन और एनो ही रहेगा, ठीक है, और डिजिटल आउटपुट एक से ज्यादा दो तीन भी रहते हैं, ठीक है ना, मिनिमम एक तो रहता ही है, ठीक। तो ये जो तीन कॉन्टेक्ट है, ये पोटेंशियल फ्री, यानी कि इनके ऊपर कोई वोल्टेज निकलता नहीं है, अंदर से कुछ वोल्टेज इसमें नहीं आता, ठीक है ना, ये बस अपनी स्टेट चेंज करता है, एनसी वाला जो है एनओ हो जाएगा, एनओ वाला एनसी हो जाएगा। तो आप इसका यूज कैसे करेंगे, आप कॉमन पे जो है सप्लाई दे दीजिए, और एनसी और या एनओ से जैसा भी आप चाहें, जिससे भी चाहें, आप वापस सप्लाई रिटर्न आपको मिल जाएगी जब ये रिले ऑपरेट होगा। इसको ऑपरेट करेगा ड्राइव, कब ऑपरेट करेगा, जब आप जैसा आप उसको सेट करेंगे, ठीक है ना। तो डिजिटल आउटपुट में आपको क्या सेट करना है, आपको आउटपुट कब चाहिए, जब ड्राइव रन हो, या जब ड्राइव में फॉल्ट हो, या कोई सिग्नल लेवल हो, यानी कि जैसे कि आप चाहते हैं कि 50 हर्ट्ज के बाद मुझे एक आउटपुट मिल जाएगा, हाँ भाई 50 आ गया है, तो आप उस लेवल को भी सेट करते हैं, यानी कि एट दिस हर्ट्ज, ठीक है ना, एट 50 हर्ट्ज सेट कर देंगे, या एट दिस वोल्टेज, या एट दिस करंट, तो वहां पे भी ये आपको उस लेवल पे भी आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना। या ड्राइव रेडी है, ड्राइव एक्सेलरेटिंग है, डिक्स, जो भी उसकी स्टेट्स होती हैं, जो भी उसकी स्टेट, मतलब कि जो भी उस समय वो जो भी कर रहा होता है, उस स्टेट, जब वो स्टेट आती है तो आपको वो इस रिले को चेंज ओवर कर देगा, ठीक है ना, एनओ एनसी कर देगा, आप उसमें सप्लाई देके फीडबैक ले लीजिए और अपने पीएलसी को दे दीजिए, या कोई इंडिकेशन लैंप लगा लीजिए, या कोई कॉन्ट्रेक्टर भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आगे इसके आपको ये वायरिंग पूरी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इनके, इन टर्मिनल्स के अलावा जो है और भी कुछ टर्मिनल होते हैं, जैसे एनकोडर के कनेक्शन, ठीक है ना, वो मैंने अभी दिखाया नहीं है, उसके लिए मैं अगले वीडियो में एनकोडर की वायरिंग अलग से बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल सप्लाई के भी टर्मिनल होते हैं, किसी किसी में ये नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो जो पावर जो हम देते हैं उसी से कंट्रोल भी वो बना लेता है, या किसी किसी में अलग से देने का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसके कनेक्शन की बात। चलिए अब मैं इन सबका एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं, कनेक्शन जो है कैसे कैसे होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने प्लस 10 और माइनस 10 टर्मिनल से जोड़ दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा मोटर जो है दोनों तरफ चले, यानी कि बाईपोलर जो है उसका स्पीड हो, ठीक है ना। अगर आप एक ही डायरेक्शन में चाहते हैं तो आप माइनस 10 की जगह जो है 0 वोल्ट से इसको जोड़ दें, ठीक है, तो वो 0 से 10 वोल्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरी डायरेक्शन में ही खाली चाहते हैं तो प्लस 10 वाला निकाल के 0 पे लगा दीजिए, तो सिर्फ 0 से माइनस 10 ही वो चलेगा, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ चलाना चाहते हैं तो एक वायर आप प्लस में लगाइए और दूसरा माइनस में, और जो उसका पॉट का जो आउटपुट जो टर्मिनल, जो यानी कि जो वेरिएबल वाला टर्मिनल है, वो आपको एनालॉग इनपुट पॉजिटिव पे देना है, ठीक है ना। तो पॉट तो तीन ही टर्मिनल होते हैं, तो ये माइनस पे क्या देना है, तो माइनस पे आपको यही 0 वोल्ट जो है दे देना है, यहां से लिंक मार देना है, ताकि उसको इसी वोल्टेज के रेफरेंस में ये सिग्नल को सेंस करके आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो करता रहेगा, ठीक है ना। और इसका एनालॉग इनपुट 2 जो है, यहाँ पे मैंने 420 मिली एम्पियर दे दिया है, ठीक है ना। ये अगर ये आप पॉट वाला ऑप्शन जो है हमेशा ज्यादातर लोकल के लिए होता है, यानी कि आप फीडर के पास ही एक हमारा पोटेंशियोमीटर रहता है, वहां से अगर आप रेफरेंस देना चाहें ड्राइव को, लोकल जो आपका कैबिनेट बॉक्स है वहां से, उसके लिए ये यूज होता है। अगर आप किसी कहीं दूर से सिग्नल देना चाहते हैं पीएलसी से, तो जो है मिलियम्स के माध्यम से भी आप दे सकते हैं, या 0 to 10 भी दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपके सोर्स साइड में, ठीक है ना। तो ये पीएलसी का आउटपुट हो सकता है, या कोई करंट सोर्स हो सकता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसका आउटपुट एनालॉग आउटपुट हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक। तो ये हो गए दो तरह के एनालॉग इनपुट। एनालॉग आउटपुट जो है वो उसको आप किसी मीटर से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक मीटर दिखा दिया मैंने, ये 0 से 100% आपको दिखाता रहेगा, इसमें आप करंट देख सकते हैं, जो भी पैरामीटर आप ड्राइव पर चाहें वो यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर ये पीएलसी को एज ए एनालॉग इनपुट भी दे सकते हैं, कुछ फीडबैक देना हो अगर,
कि मोटर का एक्चुअल आरपीएम क्या है, आप पीएलसी को बताना चाहते हैं तो ये वायर सीधे एनालॉग इनपुट वाले कार्ड में जोड़ दीजिए, तो उसको पता चलता रहेगा कि आपका ड्राइव एक्चुअल किस स्पीड पे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आगे उसके आगे बढ़ते हैं, ये डिजिटल इनपुट जो है ये 24 वोल्ट से हमने एक कॉमन ले लिया और यहाँ पे पुश बटन या सेलेक्टर स्विच लगा लगा के इनपुट दे दिए, ठीक है ना। तो हर इनपुट का आपको फंक्शन जो है डिफाइन करना पड़ता है कि आप किस इनपुट से क्या चाहते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट सेट करेंगे, इसके पैरामीटर में इसकी वैल्यू सेट करेंगे स्टार्ट, तो इस इनपुट से ये स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको स्टॉप सेट करेंगे तो ये इसी इनपुट से स्टॉप होने लगेगा। तो ये डिजिटल इनपुट भी जो है प्रोग्रामेबल होते हैं, आप इनको कुछ भी डिफाइन करके कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं रिवर्स इसको भी बना सकता हूँ, स्टार्ट इधर कर सकता हूँ, स्टॉप इसको बना सकता हूँ, तो जिसको आप जो चाहें बना सकते हैं। कुछ टर्मिनल जो है रिजर्व भी होते हैं, जैसे स्टॉप है, इमरजेंसी है, इस टाइप के कुछ टर्मिनल रिजर्व होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, उनके अलावा जो भी है उनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डिजिटल आउटपुट, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अलग से एक 230 वोल्ट सप्लाई ली है, इसके एक टर्मिनल को कॉन्टेक्टर के कॉइल को जो है दे दिया और दूसरे टर्मिनल को रिले से इसके रिले से घुमा के वापस इधर दिया। तो जब ये ड्राइव ये रिले ऑन करेगा तो हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो आप इस कॉन्टेक्टर के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, ब्रेक ऑपरेट कर सकते हैं या कोई स्टार्टर ऑन कर सकते हैं, कुछ भी चालू जो भी चाहे इसके इस कॉन्टेक्टर के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस रिले की जो करंट रेटिंग है वो ज्यादा नहीं होती है, तो इसमें ज्यादा लोड आप नहीं डाल सकते, खाली रिले या बाहर से दूसरा कोई रिले या कॉन्टेक्टर के कॉइल वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।